नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है एंड इसी के साथ स्टार्ट हो चुकी है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने की जर्नी। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म और उससे रिलेटेड क्वेरी जो रिपीटेडली हमसे पूछी जाती है। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म का पर्पज क्या होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म से डेविएट करते हैं तो उसकी रिपरकशंस क्या है, क्यों लास्ट के 3 महीने में कंपनी कई बार बहुत सारा टैक्स डिडक्ट कर लेती है एंड इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, वो भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सर एक बात बताइए, अब हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हमसे टैक्स डिक्लेरेशन क्यों मांगते हैं, आखिर उसका पर्पस क्या होता है? देखिए, टैक्स डिक्लेरेशन एक बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को, इन दोनों टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो पूरे साल में आप इंटेंड करते हैं अवेल करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयर को ये पता रहे कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी बनती है, एम्प्लॉयर आपका TDS उसी हिसाब से डिडक्ट कर सके। लेकिन सर, न्यू टैक्स रिजीम में एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेशन के स्लैब्स क्या-क्या हैं एंड वो टैक्स लगता कैसे? ठीक है, जब हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम को अपग्रेड किया है, जिसके बाद जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपके ऊपर लगता है 0 टैक्स, 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे आपको लगता है 5% टैक्स, 6 लाख से 9 लाख की इनकम पे लगता है 10% टैक्स, 9 लाख से 12 लाख की इनकम पे लगता है 15% टैक्स एंड 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे लगता है 20% टैक्स, 15 लाख से ऊपर जो भी इनकम आप अर्न करते हो उस पे 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स कम कर दिए गए हैं तो आपको कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलता है। तो अगर आप सैलरीड हैं एंड आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 0। वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की तो इसके स्लैब कुछ इस प्रकार है, 0 से 2.5 लाख रुपए कमाने वाले को लगेगा 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे लगता है 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे लगता है 20% टैक्स एंड 10 लाख से ऊपर कमाने पे लगता है 30% टैक्स। ओल्ड रिजीम में ना ही सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी और डिडक्शंस भी मिलती हैं, जिनको अवेल करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। एंड बात रही रिबेट की तो ओल्ड रिजीम में रिबेट अमाउंट इज 12,500 जो न्यू रिजीम में 25,000 रुपए है। अच्छा सर, तो जैसे आपने बताया कि ओल्ड रिजीम में हमें बहुत सारी दूसरी डिडक्शंस भी मिलती हैं, तो ऐसी कौन सी डिडक्शंस हैं जो कोई भी इंडिविजुअल बहुत इजीली अवेल कर सकता है? तो देखिए, बहुत सिंपल सा है, क्या आप रेंट पे रह रहे हैं? हाँ। तो जो रेंट आप पे करते हैं वो आप HRA के अंदर क्लेम कर सकते हैं। क्या आपने अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है? तो आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस को सेक्शन 80D के अंदर 25,000 रुपए तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। जो प्रीमियम आप अपने पेरेंट्स के लिए पे कर रहे हैं वो भी आप सेपरेटली क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के अंदर अंडर सेक्शन 80D। तो कुल मिलाकर टोटल मेरा 50,000 हो गया, 25 फॉर मी एंड 25 फॉर माय पेरेंट्स। यस। इसके अलावा अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की ELSS कैटेगरी में आप SIP करते हैं, तो वो डिडक्शन भी अवेलेबल है 80C के अंदर। अगर PPF में इन्वेस्ट करते हैं वो भी 80C के अंदर आती है। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं वो भी 80C के अंदर आता है। तो एक नॉर्मल आदमी को अपने रूटीन के लिए जो बेसिक चीजें वो करता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिडक्शंस के लिए अवेलेबल होती है। तो इसलिए ओल्ड रिजीम में आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिल जाती है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी वजह से टाइम पे टैक्स डिक्लेरेशन नहीं दे पाता तो उस केस में कंपनी क्या करती है? उस केस में हम उसको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करा देते हैं एंड उसका सारा का सारा टैक्स रिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होता है। तो सर, अगर किसी ने करंटली न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया लेकिन उसे फ्यूचर में पता लगता है कि उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम नहीं ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या फ्यूचर में वो अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकता है? जी हाँ, वो अपना टैक्स रिजीम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये काम होगा एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग। ITR फाइलिंग के टाइम पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी न्यू टैक्स रिजीम की जगह ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ITR फाइल करें। जो भी डिडक्शंस आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर की हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे डिस्क्लोज करके उसको फाइल करें। तो जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आपका डिडक्ट हुआ होगा बाय एम्प्लॉयर वो सारा का सारा एज अ रिफंड आपको मिल जाएगा। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई एम्प्लॉय आज ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है
एंड उसके अंदर जो जो डिडक्शन अवेलेबल है वो सभी को डिक्लेयर कर देता है, लेकिन फ्यूचर में वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि कंपनी ने लास्ट के 3 महीने में उनका बहुत सारा टैक्स डिडक्ट कर लिया। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जब भी हम आपसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं, डिक्लेरेशन आपके इंटेंट के लिए है। इस इंटेंट को वेरीफाई करने के लिए दिसंबर और जनवरी में हम आपसे प्रूफ मांगते हैं कि जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया था वो डिक्लेरेशन के हिसाब से क्या आपने पूरे साल में वो इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं। अगर आपने नहीं की होती, क्योंकि हमने आपका टैक्स नहीं काटा ऑन बेसिस ऑफ योर डिक्लेरेशन, वो सारा का सारा टैक्स आपके लास्ट की सैलरी से कटता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, मेरे जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। थैंक यू रिया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड आपके कोई डाउट्स जो टैक्स डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग थे वो क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन से रिलेटेड बारीकियों को समझ पाएं। लेकिन उससे पहले स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो मनी मैथ्स।